करते हैं 11th क्लास बायोलॉजी चैप्टर 1 द लिविंग वर्ल्ड से। हाउ वंडरफुल इज द लिविंग वर्ल्ड, द वाइड रेंज ऑफ लिविंग टाइप इज अमेजिंग। द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैबिटेट इन विच वी फाइंड लिविंग ऑर्गेनिज्म, बी इट कोल्ड माउंटेन, डिसीडियस फॉरेस्ट, ओशियन, फ्रेश वाटर लेक, डेजर्ट और हॉट स्प्रिंग, लीव्स अस स्पीचलेस। उसने क्या बोला कि जो लिविंग वर्ल्ड है वो कितना अच्छा है, कितना सही है, जो अलग अलग तरह के लिविंग टाइप के क्रिएचर हैं, दे ऑल आर अमेजिंग, ठीक है। और जो हैबिटेट है, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही तरह का हैबिटेट है, बहुत सारे तरीके के हैबिट हैं, चाहे वो एकदम ठंडे माउंटेन्स हुए, डिसीडियस फॉरेस्ट हुए जहाँ पे पत्ते गिरते हैं, ओशियन हुए, फ्रेश वाटर की लेक्स हुई, डेजर्ट हुए, या हॉट स्प्रिंग्स जो बहुत ही अंडरग्राउंड होते हैं और जहाँ से गर्म पानी निकलता है, ये सब हमें स्पीचलेस छोड़ देते हैं। द ब्यूटी ऑफ गैलोपिंग हॉर्स, ऑफ द माइग्रेटिंग बर्ड्स, द वैली ऑफ फ्लावर और द अटैकिंग शार्क इवोक्स एन डीप सेंस ऑफ वंडर। मतलब कि जितने भी, अगर हम कोई भी इंसिडेंट्स लें, कोई भी प्रोसेस लें, चाहे वो हॉर्स से रिलेटेड हुआ, चाहे वो माइग्रेटरी बर्ड से हुआ, चाहे वो फ्लावर्स से रिलेटेड हुआ, या फिर ऐसी शार्क जो अटैक करती हैं, ये सब हमारे अंदर एक डीप सेंस ऑफ वंडर छोड़ती हैं कि कैसे ये चीज़ किस तरह से हो रही है। The ecological conflict and the cooperation among member of population and among population of a community or even the molecular traffic inside a cell make us deeply reflect on what indeed is life. उसने क्या बोला, जो कॉन्फ्लिक्ट होता है, जैसे कि किसी भी पॉपुलेशन के अंदर अलग अलग मेंबर्स होते हैं, उनके बीच में आपस में जो भेदभाव होता है या जो उनके अंदर मतलब लड़ाई होती है, या अलग अलग कम्युनिटी के बीच में जिस तरह से उनका इंट्रैक्शन होता है, कम्युनिटी मतलब अलग अलग पॉपुलेशन एक जगह पे जब होती हैं, या अगर हम एक बात करें एक सेल की कि एक सेल के अंदर क्या क्या चल रहा है, ये सारी चीज़ें हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि लाइफ क्या है, ठीक है। दिस क्वेश्चन हैज़ टू इम्प्लिसिट क्वेश्चन विद इन इट। अब इस क्वेश्चन के अंदर अपने दो अलग क्वेश्चन हैं। द फर्स्ट इज अ टेक्निकल वन एंड सीक्स आंसर टू व्हाट लिविंग इज एज अपोज टू द नॉन लिविंग, एंड द सेकंड इज अ फिलोसॉफिकल वन एंड सीक आंसर टू व्हाट द पर्पस ऑफ लाइफ इज। उसने क्या बोला, जो फर्स्ट है वो बेसिकली ये है कि क्या लिविंग है, व्हाट लिविंग इज एंड अपोज टू द नॉन लिविंग, कि मतलब लिविंग ऐसी क्या उसमें डिफरेंस है नॉन लिविंग के कंपैरिजन में, और सेकंड है कि फिलोसॉफिकल वन कि बेसिकली लाइफ का पर्पस क्या है। एक में हम नॉर्मली कंपेयर कर रहे हैं लिविंग एंड नॉन लिविंग, और एक में हम बोल रहे हैं कि जो लाइफ है उसका पर्पस क्या है। एज साइंटिस्ट वी शुड नॉट अटैम्प्ट आंसरिंग द सेकंड क्वेश्चन। अगर हम साइंटिस्ट हैं, हम साइंस के स्टूडेंट हैं, तो हमें पर्पस ऑफ लाइफ नहीं समझना चाहिए, बट हमें लिविंग क्या है, नॉन लिविंग क्या है, उसको समझना चाहिए, ठीक है। लिविंग, वेन वी ट्राई टू डिफाइन लिविंग, वी कन्वीनियंटली लुक फॉर डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक एग्जिबिट बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, एबिलिटी टू सेंस एनवायरनमेंट एंड माउंट अ सुटेबल रिस्पॉन्स कम टू अवर माइंड इमीडिएटली एज यूनिक फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। वो कह रहे हैं कि जब हम कोशिश करते हैं पता लगाने की लिविंग जो नॉन लिविंग है उनसे किस तरह से डिफरेंट हैं, दोनों में क्या फ़र्क है, तो हम किस तरह से पता लगाते हैं, उसमें यही है, जैसे कि ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, एबिलिटी टू सेंस एनवायरनमेंट एंड माउंट अ सुटेबल रिस्पॉन्स। मतलब कि ग्रोथ जैसे कैरेक्टरिस्टिक, रिप्रोडक्शन जैसे कैरेक्टरिस्टिक, या फिर एनवायरनमेंट को सेंस करना या एक सुटेबल रिस्पॉन्स देना, ये सारी चीज़ें हैं जो हमारे माइंड में आती हैं, जो हम सोचते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूनिक फीचर है, जो सिर्फ उन्हीं में होता है, नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में नहीं होता। One can add a few more features like metabolism, ability to self-replicate, self-organize, interact and emergence to this list. Let us try to understand each of these. अब उसने क्या बोला, हम इसमें और सारी चीज़ें भी डाल सकते हैं, जैसे कि metabolism हो गया, ability to self-replicate, कि खुद से replicate करते हैं जो living organisms होते हैं, self-organize और खुद से वो मतलब हर चीज़ उनकी organize हो जाती है body के अंदर accordingly, interact करते हैं वो, ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये सब भी part है living organism का। तो अब हमें थोड़ा समझना है इसको लेके, एक एक पॉइंट को लेके, ठीक है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो, इंक्रीज इन मास एंड नंबर एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल आर ट्विन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ। मतलब कि मास में इंक्रीज होना और नंबर में इंक्रीज होना, दोनों ही के दोनों क्या हैं, ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ट्विन कैरेक्टरिस्टिक है, दो कैरेक्टरिस्टिक हैं ग्रोथ के। तो जब हम बोलते हैं कि ग्रोथ हो रही है, इसका मतलब मास में इंक्रीज हो रहा है और इंक्रीज हो रहा है नंबर में, ठीक है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रोज बाय सेल डिवीजन। अब उसने क्या बोला, एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होता है वो किस तरह ग्रो करता है, सेल डिवीजन से ग्रो करता है। मतलब जब उसके सेल डिवाइड होते हैं तो धीरे धीरे वो ग्रो करता है। प्लांट्स के अंदर ये जो ग्रोथ होती है सेल डिवीजन की, वो पूरी जिंदगी भर होती रहती है, कंटिन्यूसली थ्रू आउट देयर लाइफ स्पैन। एनिमल में क्या होता है कि ये जो ग्रोथ होती है सेल डिवीजन और बाकी चीज़ों की, ये सिर्फ एक सर्टेन एज तक होती है, उसके बाद ही रुक जाती है। अब उन्होंने क्या बोला,
हाउएवर सेल डिवीजन अकर्स इन सर्टेन टिश्यू टू रिप्लेस लॉस सेल्स, लेकिन सेल डिवीजन ग्रोथ के लिए नहीं होता, लेकिन जो लॉस सेल्स हैं, जो सेल्स खत्म हो रहे हैं, उनको रिप्लेस करने के लिए एनिमल्स में ये होता है, ठीक है, सेल डिवीजन होता है. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ऑल्सो ग्रो बाय सेल डिवीजन, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये भी ग्रो करते हैं सेल डिवीजन के थ्रू. वन कैन ईजिली ऑब्जर्व दिस इन इविट्रो कल्चर्स बाय सिंपली काउंटिंग द नंबर ऑफ सेल अंडर द माइक्रोस्कोप. कोई भी इसको ईजिली मतलब इन विट्रो कल्चर में ऑब्जर्व कर सकता है, देख सकता है, अगर वो काउंट करें नंबर ऑफ सेल माइक्रोस्कोप के अंडर, ठीक है. इन मेजॉरिटी ऑफ हायर एनिमल्स एंड प्लांट ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट. अब उन्होंने क्या बोला, अगर हम बात करते हैं हायर एनिमल्स की या प्लांट की, जो ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन है वो दोनों के दोनों ऐसे प्रोसेस हैं जो बिल्कुल अलग होते हैं. वन मस्ट रिमेंबर दैट इंक्रीज इन बॉडी मास इज कंसिडर्ड एज ग्रोथ. अब सबको ये याद रखना चाहिए कि बॉडी मास में इंक्रीज होना, ठीक है, बॉडी मास में इंक्रीज होने को हम ग्रोथ बोलते हैं. तो उसने क्या बोला, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट ऑल्सो ग्रो इफ़ वी टेक इंक्रीज इन बॉडी मास एज अ क्राइटेरिया फॉर ग्रोथ. माउंटेन बोल्डर्स एंड सैंड माउंट्स डू ग्रो, हाउ एवर दिस काइंड ऑफ ग्रोथ एग्जिबिटेड बाय नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट इज बाय एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल ऑन द सर्फेस. इसने क्या बोला कि अब हम बोलते हैं कि इंक्रीज इन मास एक क्या कैरेक्टरिस्टिक है, ग्रोथ का कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है, वो एक ग्रोथ का कैरेक्टरिस्टिक है अगर बॉडी मास में इंक्रीज हो रहा है. तो उसने यही चीज़ बोली कि अगर ऐसे में मैं नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को लूँ, तो जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है जैसे कि माउंटेन हो गए, सैंड ड्यून्स वगैरह हो गए, उन पर अगर मास इकट्ठा हो रहा है तो वो भी तो ग्रोथ हुआ ना. तो मतलब कि नॉन लिविंग को भी मैं बोल सकती हूँ कि उनकी ग्रोथ हुई है अगर मैं बॉडी मास का इंक्रीज होने को एक क्राइटेरिया लूँ ग्रोथ का, ठीक है. उसके बाद उसने लिखा है, हाउ एवर दिस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ इज़ फ्रॉम इनसाइड. जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर जो ग्रोथ होती है वो इनसाइड होती है, मतलब अंदर से होती है, बाहर से नहीं होती. ग्रोथ देयरफोर कैन नॉट बी टेकन एज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. कंडीशन अंडर विच इट कैन बी ऑब्जर्व इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव टू बी एक्सप्लेन एंड देन वी अंडरस्टैंड दैट इट इज़ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग सिस्टम. अ डेड ऑर्गेनिज्म डज नॉट ग्रो. उसने यही बोला कि जो कंडीशन है अगर मैं लेके चलूँ तो मुझे बहुत ध्यान से लेनी है, मतलब मुझे उस पर्टिकुलर पॉइंट पे ये देखना है कि अगर मैं ग्रोथ की बात कर रही हूँ तो मैं किस तरह से बात कर रही हूँ, अंदर से ग्रोथ या बाहर से ग्रोथ, ठीक है. इसलिए मैं ग्रोथ को अगर ऊपर से लूँ तो सिर्फ एक उस प्रॉपर्टी को मैं ले नहीं सकती कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म की प्रॉपर्टी है, क्योंकि जैसे समझाया कि अगर मैं ग्रोथ को मास के बेसिस पे लेके चल रही हूँ तो नॉन लिविंग और लिविंग दोनों ग्रो करते हैं, ठीक है. तो वहीं पे ये पॉइंट खत्म हो गया कि इसलिए मैं इसको डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं लूँगी लिविंग ऑर्गेनिज्म की, क्योंकि मुझे समझाना पड़ेगा कि किस तरह से वो ग्रो कर रहा है, अंदर से कर रहा है या बाहर से कर रहा है, ठीक है. नेक्स्ट मूव टू द सेकंड क्राइटेरिया जो वो लेके चलते हैं कि रिप्रोडक्शन हम लेते हैं कि एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स का कैरेक्टरिस्टिक है. रिप्रोडक्शन लाइकवाइज इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन रेफर टू द प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी प्रोसेसिंग फीचर्स मोर और लेस सिमिलर टू दोज ऑफ पेरेंट्स. मतलब अगर मैं बात करूँ रिप्रोडक्शन की तो क्या होगा, इसमें जो प्रोजेनी होगी उसके अंदर फीचर्स कैसे होंगे, जो रिप्रोडक्शन का मतलब होता है कि ऐसी प्रोजेनी प्रोड्यूस करना जिसके फीचर काफ़ी हद तक सेम हो पेरेंट्स, ठीक है. Invariably and implicitly we refer to sexual reproduction. Indirectly हम sexual reproduction की बात करें. Organism reproduce by asexual mean also. कि जो organisms होते हैं वो asexual mean से भी reproduce करते हैं. Fungi multiply and spread easily due to millions of asexual spore they produce. In lower organisms like yeast and hydra we observe budding. मतलब अगर मैं लेके चलूँ तो जो fungi हैं और या फिर जो बाकी चीज़ें हैं वो multiply करती हैं, spread होती हैं easily. कैसे, asexual spores से, ठीक है. और lower organism जैसे कि होते हैं yeast और hydra, ये किसकी तरह बढ़ते हैं, ये budding की वजह से बढ़ते हैं. इन प्लेनेरिया जैसे कि फ्लैट वॉर्म वी ऑब्जर्व ट्रू रीजनरेशन. प्लेनेरिया में हमें देखने को मिलता है ट्रू रीजनरेशन, ठीक है, कि एक जो फ्रेगमेंट पार्ट है वो पूरा का पूरा लॉस पार्ट एक नया पार्ट बना देगा, एक न्यू ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाएगा. द फंजाय द फिलामेंटस एल्गी द प्रोटोनिमा ऑफ मॉसेस ऑल ईजिली मल्टीप्लाई बाय फ्रेगमेंटेशन. तो ये जो बाकी सारी चीज़ें बताई हैं जैसे कि फंजाय हो गया, एल्गी हो गया, मॉसेस हो गया, प्रोटोनिमा ऑफ मॉसेस, ये ईजिली मल्टीप्लाई करता है फ्रेगमेंटेशन से, मतलब उसका एक पार्ट पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बना देगा. When it comes to unicellular organisms like bacteria, unicellular algae or amoeba, reproduction is synonymous with growth, that is increase in number of cell.
उसने क्या बोला, जब हम बात करते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन से लेंगे हम, जैसे कि हो गया बैक्टीरिया, यूनिसेलुलर एल्गी या एमेबा, तो रिप्रोडक्शन इज सिनोनिमस विद ग्रोथ. कहीं ना कहीं रिप्रोडक्शन का मतलब जो बैठ रहा है वो एकदम ग्रोथ जैसा बैठ रहा है, जैसे कि इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल. अगर कह रही हूँ कि एमेबा में या फिर यूनिसेलुलर एल्गी में रिप्रोडक्शन हो रहा है, तो रिप्रोडक्शन कैसे हो रहा है कि उसका सेल डिवाइड हो रहा है ना, तो क्या हो रहा है, बेसिकली नंबर ऑफ सेल बढ़ रहे हैं. लेकिन यही चीज़ तो ग्रोथ में भी होगी. तो वो यही कहना चाह रहा है कि जब मैं छोटे इन ऑर्गेनिजम्स की बात करती हूँ, बैक्टीरिया, एमेबा और एल्गी की, तो यहाँ पे रिप्रोडक्शन कहीं ना कहीं बिल्कुल सेम है ग्रोथ जैसे. वी हैव ऑलरेडी डिफाइंड ग्रोथ एज इक्वलेंट टू इंक्रीज इन सेल नंबर और मास, हैंस वी नोटिस दैट इन सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म वी आर नॉट वेरी क्लियर अबाउट द यूसेज ऑफ दीज टू टर्म्स, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन. अब उसने बोला कि ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका है कि जो इंक्रीज इन नंबर होता है, सेल नंबर होता है, उसको हम ग्रोथ कहते हैं. तो मैं अगर सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म की बात कर रही हूँ, तो भले ही वो लिविंग है, लेकिन मैं उनके बीच में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन में डिफ्रेंसिएशन नहीं कर पा रही हूँ, एंड द टर्म इज नॉट दैट क्लियर. फर्दर देयर आर मैनी ऑर्गेनिज्म विच डू नॉट रिप्रोड्यूस, और कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स हैं जो बिल्कुल रिप्रोड्यूस नहीं करते, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है मोल्स, स्टेराइल, ठीक है, वर्कर भी, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स, तो ये भी बिल्कुल रिप्रोड्यूस नहीं करते. तो रिप्रोडक्शन एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टरिस्टिक हम नहीं बता सकते, ठीक है, क्योंकि अगर कोई रिप्रोड्यूस नहीं कर रहा है या कोई सिंगल सेल लिविंग ऑर्गेनिज्म डिवाइड कर रहा है और सिर्फ ग्रोथ हो रही है, तो आप रिप्रोडक्शन को एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक नहीं ले सकते कि ये लिविंग बींग का ही कैरेक्टरिस्टिक है. ऑफकोर्स नो लिविंग और नो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कैपेबल ऑफ रिप्रोड्यूसिंग और रेप्लीकेटिंग बाय इटसेल्फ. उसने क्या बोला, ऑब्वियसली ये बात भी है कि जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है वो अपने आप से रिप्रोड्यूस नहीं या रेप्लीकेट नहीं कर सकता, बट मेन चीज़ देखने वाली यही है कि यहाँ पे जो आपके टर्म्स हैं कि जो भी रिप्रोडक्शन में मतलब जो चीज़ हो रही है वो अलग अलग हो सकती है, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल कि रिप्रोडक्शन और ग्रोथ कहीं ना कहीं इसमें क्लियर नहीं है. दूसरी चीज़, नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो तो ग्रोथ रिप्रोड्यूस कर ही नहीं सकते, लेकिन कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी हैं जो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, तो इसलिए रिप्रोडक्शन को भी हम एक कैरेक्टरिस्टिक नहीं ले सकते लिविंग ऑर्गेनिज्म का. थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है मेटाबॉलिज्म. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनका एक कैरेक्टरिस्टिक है कि उनके अंदर मेटाबॉलिज्म होता है, केमिकल रिएक्शंस होते हैं, ठीक है. ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ केमिकल, दीज केमिकल्स स्मॉल एंड बिग बिलोंगिंग टू वेरियस क्लासेस, साइजेस, फंक्शन एट्सेट्रा, और कॉन्स्टेंटली बींग मेड एंड चेंज इंटू सम अदर बायोमोलिक्यूल्स. These conversions are chemical reaction or metabolic reaction. उसने बोला कि जितने भी living organisms होते हैं ये सब chemicals से बने हुए हैं, ठीक है, और ये जो chemicals होते हैं चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, अलग अलग class size से belong करते हैं, और ये एक form से दूसरी form में change होते हैं, ठीक है, are being made and change into other biomolecule. These conversions are chemical reaction or metabolic reaction. ये जो conversion होता है एक form से दूसरे form में change होना, ये तो या तो chemical reaction होता है या metabolic reaction होता है. There are thousands of metabolic reaction occurring simultaneously inside all living organisms. एक साथ बहुत सारे chemical reaction body में हो रहे होते हैं living organisms की, चाहे वो unicellular organism हो चाहे वो multicellular organism हो. All plant, animal, fungi and microbes exhibit metabolism. जितने भी plants होते हैं, animal होते हैं, fungi होते हैं, इन सबके body के अंदर chemical reaction होता है, ये सबके सब metabolism exhibit करते हैं. The sum total of all the chemical reaction occurring in our body is metabolism. Metabolism क्या होता है कि हमारी body के अंदर जितने भी सारे chemical reaction हैं, अगर उनको मैं sum total करूँ, उनको मैं add करूँ, तो आपको पता चलेगा कि क्या है कि हमारी body के अंदर जितना भी reaction है सब को हमें metabolism बोलते हैं. No non-living object exhibit metabolism. कोई भी non-living object के अंदर metabolism नहीं होता. Metabolic reaction can be demonstrated outside the body in cell-free system. तो अगर मैं बात करूँ ये जो metabolic reaction है, इनको मैं भले ही जो body के अंदर होते हैं इनको मैं बाहर दिखा सकती हूँ करके, cell-free system में इनको करके दिखा सकती हूँ. An isolated metabolic reaction outside the body of an organism performed in a test tube is neither living nor non-living. यानी उसने क्या बोला, एक मेटाबॉलिक रिएक्शन, एक आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन जो बॉडी के बाहर हो रहा है ऑर्गेनिज्म की, और नाइदर लिविंग नॉर नॉन लिविंग, ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि वो आप टेस्ट ट्यूब में परफॉर्म कर रहे हो, वो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर नहीं हो रहा है, और वो बेसिकली किसका रिएक्शन है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होने वाला रिएक्शन है.
इसीलिए उसने क्या बोला, हैंस वाइल मेटाबॉलिज्म इज अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट एक्सेप्शन, आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन इन विट्रो आर नॉट लिविंग थिंग्स बट श्योरली लिविंग रिएक्शन, हैंस सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बॉडी इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ फॉर्म्स. उसने क्या बोला, देखो कि भले ही सारे मेटाबॉलिज्म जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म का डिफाइनिंग फीचर है, कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या होता है, मेटाबॉलिज्म होता है, केमिकल रिएक्शन होते हैं, ठीक है, ये चीज़ हमें पता है. लेकिन अगर हम मेटाबॉलिक रिएक्शंस को इन विट्रो कर पा रहे हैं, मतलब हमें उसको बाहर जाके कहीं पे कर पा रही हूँ, कहीं परफॉर्म कर पा रही हूँ, तो वो लिविंग थिंग्स के अंदर नहीं हो रहा है, बट वो डेफिनेटली जो लिविंग रिएक्शन है, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर रिएक्शन होता है, वो रिएक्शन है. इसलिए उसने क्या बोला कि जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होता है बॉडी का, वो डिफाइनिंग फीचर है लाइफ फॉर्म्स का. मतलब जिस तरह से लिविंग ऑर्गेनिजम्स अरेंज्ड हैं, जो उनका सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, वो एक डिफाइनिंग फीचर है. बट मेटाबॉलिज्म को उसने स्टिल अभी तक कंसिडर नहीं किया, क्योंकि वो बाहर भी परफॉर्म हो रहा है. लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो रिएक्शन होते हैं वो बाहर अगर परफॉर्म हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वो मतलब वो रिएक्शन तो है जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर होता है, लेकिन आप उसको बाहर भी परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है. तो उसको उसने क्या किया, मेन कंसिडर नहीं किया, बट ये जरूर बता दिया कि जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है बॉडी का, वो डिफाइनिंग फीचर है, ठीक है. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पैराग्राफ. परहैप्स द मोस्ट ऑब्वियस एंड टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इज द एबिलिटी टू सेंस देयर सराउंडिंग और इन्वायरमेंट एंड रिस्पॉन्ड टू दिस इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई विच कुड बी फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल. मतलब उसने क्या बोला, जो बहुत ही ऑब्वियस और टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड फीचर है सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म का, वो है एबिलिटी इन्वायरमेंट को सेंस करने की, या फिर उसके लिए रिस्पॉन्ड करने के लिए, जो फिजिकल भी हो सकती है, केमिकल भी हो सकती है और बायोलॉजिकल भी हो सकती है, ठीक है. वी सेंस अवर इन्वायरमेंट थ्रू अवर सेंस ऑर्गन्स. हम इन्वायरमेंट को सेंस करते हैं हमारे सेंस ऑर्गन से. प्लांट जो रिस्पॉन्ड करते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स जैसे कि लाइट, वाटर, टेम्परेचर, अदर ऑर्गेनिज्म, पॉल्यूटेंट एट्सेट्रा से, इन सब से वो रिस्पॉन्ड करते हैं. ऑल ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम द प्रोकैरियोट्स टू अदर ऑर्गेनिज्म पॉल्यूटेंट ऑल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द प्रोकैरियोट्स टू द मोस्ट कॉम्प्लेक्स यूकैरियोट कैन सेंस एंड रिस्पॉन्ड टू इन्वायरमेंटल क्यूज. मतलब जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे प्रोकैरियोट्स हो चाहे यूकैरियोट्स हो, ये सब क्या करते हैं, इन्वायरमेंट को सेंस कर सकते हैं और रिस्पॉन्ड कर सकते हैं. फोटो पीरियड अफेक्ट रिप्रोडक्शन इन सीजनल ब्रीडर बोथ प्लांट एंड एनिमल. जो फोटो पीरियड होता है वो रिप्रोडक्शन अफेक्ट करता है सीजनल ब्रीडर में और प्लांट्स और एनिमल दोनों के अंदर, ठीक है. तो कहीं ना कहीं वो उनको एक्सटर्नल फैक्टर है जो अफेक्ट कर रहा है. ऑल ऑर्गेनिजम्स हैंडल केमिकल एंटरिंग देयर बॉडी. सारे ऑर्गेनिज्म हैंडल करते हैं जो भी केमिकल उनकी बॉडी में एंटर करता है. ऑल ऑर्गेनिज्म देयरफॉर आर अवेयर ऑफ देयर सराउंडिंग. तो उसने यही चीज़ बोली कि सारे जितने भी ऑर्गेनिज्म्स होते हैं, सबको अपनी सराउंडिंग का पता होता है. दे आर अवेयर ऑफ देयर सराउंडिंग. ह्यूमन बीइंग इज़ द ओनली ऑर्गेनिज्म हु इज़ अवेयर ऑफ हिमसेल्फ, दैट इज़ हैज़ सेल्फ कॉन्शियसनेस. सिर्फ एक ह्यूमन बीइंग इस ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसको अपना भी पता है, दैट इज़ हु इज़ अवेयर ऑफ हिमसेल्फ, उसकी सेल्फ कॉन्शियसनेस है. तो उसने क्या बोला, कॉन्शियसनेस देयरफॉर बिकम द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. कि खुद के लिए कॉन्शियस होना या चीज़ों का पता होना, वो एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है लिविंग ऑर्गेनिज्म की. ऊपर वाले पार्ट में उन्होंने बोला था कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जो होता है बॉडी का, वो एक डिफाइनिंग फीचर है लाइफ फॉर्म्स का, ठीक है. Now let's move to the next paragraph. When it comes to human being, it is all the more difficult to define the living state. We observe patient lying in coma in hospital virtually, supported by machine which replace heart and lungs. The patient is otherwise brain dead. तो उसने बोला कि एक अगर हम ऐसे example ले सकते हैं कि जो patient है जो coma में है, तो उसको machine ने support कर रखा है, उसका कहीं ना कहीं brain dead है, उसकी self consciousness नहीं है, तो क्या आप उसको क्या consider करोगे, living or non-living? तो उसने यही बोला, इन हायर क्लासेस यू विल कम टू नो दैट ऑल लिविंग फिनोमिना आर ड्यू टू अंडरलाइंग इंटरैक्शन. प्रॉपर्टीज ऑफ टिश्यूज आर नॉट प्रेजेंट इन द कॉन्स्टिट्यूएंट सेल बट अराइज एज अ रिजल्ट ऑफ इंटरैक्शन अमॉन्ग द कॉन्स्टिट्यूएंट सेल. मतलब कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की प्रॉपर्टी है, उसका मेन रीजन है इंटरैक्शन. मतलब अगर टिश्यू की प्रॉपर्टी है, जो हमें पता है कि ये उसकी प्रॉपर्टी है, वो किसकी वजह से आई है, वो इंटरैक्शन की वजह से आई है जो सेल्स के बीच में हो रहा है. सिमिलरली प्रॉपर्टीज ऑफ सेलुलर ऑर्गेनेलास आर नॉट प्रेजेंट इन द मॉलिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द ऑर्गेनेला बट अराइज एज अ रिजल्ट ऑफ इंटरैक्शन अमॉन्ग द मॉलिकुलर कंपोनेंट कंप्राइजिंग द ऑर्गेनेला. ये बात भी ध्यान से सुनिए कि जो सेलुलर ऑर्गेनेलास हैं वो प्रेजेंट हैं, मॉलिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंट में प्रेजेंट नहीं है, बल्कि जो उनके बीच में इंटरैक्शन हो रहा है उसकी वजह से वो क्या कर रहे हैं, ऑर्गेनेला की फॉर्म में आ रहे हैं.
These interaction result in emergent property at high level of organization. ये जो interactions हैं ये किसकी वजह से आते हैं? High level of organization के और interaction की वजह से आते हैं. This phenomenon is true in the hierarchy of organizational complexity at all level. Therefore, we can say that living organisms are capable of self-replicating, evolving and self-regulating interactive system capable of responding to external stimuli. मतलब कि जितने भी फिनोमिना है ये सब अलग अलग हायरकी के बेसिस पे होते हैं. हायरकी होता है जैसे जैसे आप बढ़ते जाओगे लेवल बढ़ता जाता है. ठीक है, सबसे बेसिक यूनिट, उसके बाद थोड़ी बेसिक यूनिट, जैसे एक सिंगल सेल, फिर सिंगल सेल से टिश्यू, फिर टिश्यू से ऑर्गन. तो ये हायरकी होती है. ठीक है, इसलिए उसने बोला हम कह सकते हैं कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सेल्फ रेप्लिकेट करते हैं, इवॉल्विंग होते हैं, सेल्फ रेगुलेट होते हैं, खुद को रेगुलेट करते हैं, इंट्रैक्टिव सिस्टम्स और कैपेबल होते हैं कि वो रिस्पॉन्ड करें एक्सटर्नल स्टिमुलाई के लिए. कोई अगर एक्सटर्नल स्टिमुलाई उनके ऊपर आती है तो, या कोई चीज़ वो रिएक्ट करनी हो तब वो रिएक्ट करते हैं. बायोलॉजी इज़ द स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ. बायोलॉजी बेसिकली यही है कि स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, किस तरह से लाइफ इवॉल्व हुई, क्या क्या चीज़ें हुई. बायोलॉजी इज स्टोरी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ. मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके इवोल्यूशन की स्टोरी. ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर आर लिंक टू वन अनदर बाय द शेयरिंग ऑफ द कॉमन जेनेटिक मटेरियल बट टू वेरिंग डिग्री. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो पहले रहे हों, चाहे वो अभी हों, चाहे वो फ्यूचर में होंगे, कहीं ना कहीं ये सब आपस में एक कॉमन जेनेटिक मटेरियल शेयर करते हैं, बट अलग अलग एक्सटेंट तक. मतलब अलग अलग क्वांटिटी, अलग अलग उसमें वेरिएशन है, बट जेनेटिक मटेरियल सेम है. तो ये था पार्ट वन द लिविंग वर्ल्ड, चैप्टर वन, 11th बायोलॉजी का. पार्ट टू एंड थ्री देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए. और अगर आपको 11th और 12th बायोलॉजी की और वीडियोस देखनी है तो मेरे चैनल पे आप 11th और 12th बायोलॉजी की प्लेलिस्ट चेक कीजिए. थैंक यू.